10 साउथ एक्टर्स जो बॉलीवुड एक्टर्स से ज्यादा पैसे कमाते हैं। पहले नंबर पर साउथ इंडियन एक्टर प्रभास का नाम आता है और साल 2022 में अगर उनकी सैलरी की बात करें तो प्रभास पर मूवी का 100 करोड़ से लेकर 180 करोड़ रुपए तक का चार्ज करते हैं। और वहीं बॉलीवुड के एक्टर आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की बात करें तो आमिर खान पर मूवी 100 करोड़ रुपए से लेकर 150 करोड़ रुपए तक और सलमान खान 100 करोड़ रुपए से लेकर 150 करोड़ रुपए और शाहरुख खान भी 100 करोड़ रुपए के आसपास ही चार्ज करते हैं। दूसरे नंबर पर है थालापति विजय। विजय पर मूवी 70 करोड़ रुपए से लेकर 120 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। वहीं इनके सामने बॉलीवुड के स्टार अक्षय कुमार जो पर मूवी 70 करोड़ रुपए से 115 करोड़ रुपए, अजय देवगन 60 करोड़ रुपए से लेकर 125 करोड़ रुपए और ऋतिक रोशन 75 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। तीसरे नंबर पर नाम आता है रजनीकांत का, जो साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री में भगवान की तरह माने जाते हैं। वो हर मूवी का 60 करोड़ रुपए से लेकर 105 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। उनके सामने रणवीर कपूर जो कि पर मूवी का 60 करोड़ रुपए से लेकर 75 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। नंबर चार पर अल्लू अर्जुन का नाम आता है, जिन्होंने पुष्पा मूवी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और साउथ इंडियन के स्टाइलिश एक्टर माने जाते हैं। और वो अपनी पर मूवी का 60 करोड़ रुपए से लेकर 100 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। और वहीं उनके सामने रणवीर सिंह बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर हैं, जो कि पर मूवी 45 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। नंबर पांच पर जूनियर NTR का नाम आता है, जिन्होंने फिलहाल में RRR में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। जूनियर NTR पर मूवी के लिए 50 करोड़ से 100 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। और वहीं उनके सामने बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की बात करें तो वो पर मूवी का 35 करोड़ से 40 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। छठवे नंबर पर रामचरण का नाम आता है, जिन्होंने RRR मूवी में बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। रामचरण पर मूवी का 50 करोड़ से 90 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। और वहीं इनके सामने बॉलीवुड के एक्टर वरुण धवन जो कि अपनी पर मूवी का 35 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सातवें नंबर पर साउथ इंडियन एक्टर महेश बाबू का नाम आता है, ये अपनी पर मूवी का 70 करोड़ से लेकर 80 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। और वहीं इनके सामने बात करें हम टाइगर श्रॉफ की, जो कि अपनी मूवी के लिए 30 करोड़ रुपए ही चार्ज करते हैं और वो भी काफी ज्यादा ही लगता है मुझे तो। वैसे आपको क्या कहना है इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। आठवें नंबर पर साउथ इंडियन मूवी के सबसे बेहतरीन एक्टर पवन कल्याण का नाम आता है, जो अपनी मूवी का 50 करोड़ से लेकर 65 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। और वहीं उनके सामने अमिताभ बच्चन अपनी मूवी का 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। नौवें नंबर पर साउथ इंडियन एक्टर अजीत कुमार का नाम आता है, वो पर मूवी का 50 करोड़ से 60 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। और वहीं उनके सामने कार्तिक आर्यन पर मूवी का 20 करोड़ से लेकर 30 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। दसवें नंबर पर साउथ इंडियन एक्टर यश का नाम आता है, ये पर मूवी का 30 करोड़ से 85 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। वहीं इनके सामने आयुष्मान खुराना जो कि अपनी पर मूवी का 15 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक चार्ज करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।